नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पड़ोसी युवक से आहत होकर युवती ने खाया नशीला पदार्थ, जहर खा कर दी जान। परिजन द्वारा थाने में डेड बॉडी रख घेराव करने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। शिकायती पत्र देने के बाद क्षेत्रीय पुलिस ने नहीं की थी कार्यवाही। न्याय की भीख थाने की चौखट में मांगती रही थी पीड़िता की मां। मासूम की जान जाने के बाद ही क्यों जागी क्षेत्रीय पुलिस, पहले क्यों नहीं की कार्यवाही। चांदपुर थाना क्षेत्र के रिठवा गांव की लड़की साक्षी प्रजापति ने पड़ोसी लड़के से तंग आकर जान दे दी। पीड़िता की मां द्वारा बताया गया कि मेरी बेटी को पड़ोसी लड़के सौरभ सिंह पुत्र राम नारायण सिंह व तेज बहादुर सिंह पुत्र श्री पाल सिंह दोनों मेरी बेटी को कॉलेज आते जाते समय डरा धमका कर दो वर्षों से परेशान कर जबरन परेशान व प्यार प्रसंग का दबाव आए दिन बनाते थे। मेरी बेटी लाज लज्जा के कारण किसी को नहीं बताया और शनिवार को अचानक सुसाइड पत्र लिखकर जहरीला पदार्थ खा लिया। पत्र में लिखा था कि माँ, जहाँ जीवन जीने के लिए आत्मसम्मान बेचना पड़े तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा है मर जाना। जिससे तंग आकर मेरी बेटी ने शनिवार को जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की, जिसका इलाज के दौरान आज मेरी बेटी साक्षी प्रजापति उम्र 17 वर्ष की मौत हो गई। जबकि पीड़िता ने गाँव के ही युवकों के ऊपर छेड़छाड़ करने की लिखित शिकायत नजदीकी चांदपुर थाने में एक दिन पहले दी थी, लेकिन पुलिस ने इसमें कुताही बरतते हुए इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। तब पीड़िता को थाने में न्याय नहीं मिला तो बेटी की मां ने बताया कि मेरी बेटी साक्षी प्रजापति ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। न्याय मांगने के लिए कार्यवाही न होती देख पीड़िता के परिजन ने बेटी की डेड बॉडी थाने में रख कर थाने का घेराव किया। तब जाकर पुलिस हरकत में आकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिखा। तब पीड़ित के परिजन डेड बॉडी पुलिस के साथ उनके घर पहुंचाई गई, जबकि परिजनों का कहना था कि जब तक दोषियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तब तक मेरी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस घटना के बाद क्षेत्रीय पुलिस में सवाल या प्रश्न खड़े होते हैं कि अगर पुलिस समय रहते एक्शन लेकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करती तो मासूम बेटी साक्षी प्रजापति की जिंदगी शायद बच जाती। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।